और नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शोबिज़ के ऐसे काफ़ी सितारे हैं जो कि आए दिन सोशल मीडिया पे अपनी मोहब्बत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए होते हैं। इन मशहूर अदाकाराओं में आयज़ा खान, दानिश तैमूर, ऐमन खान और मुनीर भट्ट और काफ़ी ज़्यादा अदाकार ऐसे हैं जिनकी मोहब्बत के शोबिज़ में बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और फैंस इन लव वर्ड्स को बहुत ज़्यादा आपस में पसंद करते हैं। मगर आज की वीडियो में हम आपको शोबिज़ के उन अदाकारों के बताएंगे जो कि मोहब्बत में बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। और उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको वक्त के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले शोबिज़ इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा मीनाल खान का आपको बताने लगे हैं। उनको आपस में हर मौके पर तकरीबन इकट्ठे साथ देखा जाता था, मगर हाल ही में इन दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ कोई पिक्चर सोशल मीडिया पे नहीं आ रही और इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया है। मीनाल खान की इंस्टाग्राम पे मंजूर खान के साथ कोई पिक्चर भी नहीं बाकी रही, उन्होंने अपनी सारी पिक्चर्स मंजूर खान के साथ सोशल मीडिया से ख़त्म कर दी हैं और इन लोगों का ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद आ जाती हैं मशहूर अदाकारा सज्जल अली। सज्जल अली कुछ अर्सा पहले फिरोज़ खान के साथ बहुत ज़्यादा इकट्ठे साथ दिखाई देती थी और इनके आपस में इतने उठने बैठने से फैंस को यही लगता था कि ये लोग बहुत जल्द शादी करवा लेंगे, क्योंकि सज्जल अली की मदर और फिरोज़ खान की माँ भी एक दूसरे की काफ़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी। मगर वक्त का तकाजा ऐसा हुआ कि ये दोनों भी आपस में साथ ना मिल सके और इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद आती है मशहूर अदाकारा सारा खान, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही नामवर अदाकारा हैं। इनकी आगा वाली खान मंगनी रही और इन दोनों को भी शोबिज़ का लव बर्ड्स कहा जाता था। ये अक्सर मॉर्निंग शो में भी इकट्ठे साथ दिखाई देते थे और आगा अली इनके लिए बहुत अच्छी लाइंस कहते थे कि इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा उनकी अल्फाजों से लगाया जा सकता था। मगर वक्त ने इन दोनों का भी साथ नहीं दिया और ये दोनों भी अलग हो और अब आगा अली ने हाल ही में अल्ताफ से शादी कर ली है और सारा खान अब अकेली सिंगल हैं। उसके बाद आती हैं मशहूर अदाकार सबा कमर जमान। सबा कमर जमान जो कि काफ़ी ही नामवर अदाकारा हैं, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े हैं। सबा कमर ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने 8 साल एक आदमी से मोहब्बत की और उसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि उस आदमी ने ये कहा कि ये अपने खानदान के किसी लड़के से शादी करवाना चाहता है, सबा कमर से शादी नहीं कर सकता। सबा कमर का ये कहना था कि वो आदमी ज़रा भी अच्छा नहीं था, मगर इन्होंने अपनी मोहब्बत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया और एंड पे फिर भी वो इनको छोड़ कर चला गया। उसके बाद आ जाती हैं मशहूर अदाकारा सायरा यूसुफ। सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी जो कि पहले एक दूसरे का लव करते थे और उसके बाद इन दोनों की शादी भी हुई और उनकी शादी में से एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची भी है, मगर इन दोनों की शादी इतनी नहीं चल सकी। और शहरोज़ सब्ज़वारी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि अपनी शादी को चलाएं, मगर इनके आपस में मैंटेलिटी नहीं मिली और किसी बात को लेकर ये लोग इकट्ठे साथ नहीं रह सके और अलग अलग रास्ते दोनों ने अपना लिए। जी हाँ नाज़रीन, तो ये कुछ शोबिज़ के सेलिब्रिटीज़ थे जिनकी आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनी और इन लोगों की इतनी मोहब्बत करने के बाद आखिरकार ये लोग जुदा हो गए। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का फेवरेट कपल कौन सा था इन सब सेलिब्रिटीज़ में से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉलीवुड नाउ।